हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 19 फरवरी 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट रहेगा जो आपको मोटिवेटेड करेगा, वन लाइनर न्यूजेज रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज में जो कल हमने डिस्कस किया था विश्व के प्रमुख समाचार पत्र रहेंगे, नागालैंड स्टेट को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके में मानक प्रमाण पत्र को डिस्कस कर लेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होंगे। ओके, मोटिवेशन कोट देख लेते हैं क्या है आज का। अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी भी नहीं पूछती कि अभी समुंदर कितना दूर है। ओके, तो आपको क्या है कि अगर आपको सक्सेस होना है अपनी लाइफ में तो आपको बिल्कुल भी रोना नहीं रोना है कि आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है, सब कुछ ना हो पर फिर भी आपको तैयारी करते रहना है और अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए और जो भी आपके पास कमी है उन सभी कमी को पूरा कीजिए। ओके, बिल्कुल भी अपनी मुश्किलों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वन लाइनर न्यूज़ में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ रहेगी, विश्व पेंगोलिन दिवस जो कि 15 फरवरी 2020 को मनाया गया, किस दिवस को मनाया गया है? तो फरवरी के जो तीसरा शनिवार होता है, फरवरी महीने का तीसरा शनिवार होता है, इस दिन को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाते हैं। ओके, और रेडियो टैग इसको दे दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, ये भी आपको याद रखना है। पेंगोलिन कोरोना वायरस का जो वाहक है वह भी है, जिस ऐसा माना गया है कि पेंगोलिन के द्वारा ही कोरोना वायरस फैला था। और कोरोना वायरस से आपको याद रखना है, WHO ने कोरोना वायरस को COVID-19 नाम दे दिया है। सी से कोरोना, वी से वायरस और डी से डिजीज़, और 2019। ओके, COVID-19। अब WHO की बात हुई तो WHO के अध्यक्ष अगर पूछे जाएंगे तो हेनरीटा एच फोर, और मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो जेनेवा, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ फूड कार्यक्रम का आयोजन जहाँ किया गया है वह जगह कौन सी है? तो वो है दुबई, UAE के अंदर गल्फ फूड 2020 का आयोजन किया गया है। जो गल्फ की कंट्रीज़ है वहाँ पर वो इसमें इंक्लूड हुई हैं। तो उसमें कहाँ पर मनाया गया है? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर गल्फ फूड 2020 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2020 को आयोजित की जाने वाली संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहेगा? तो 17 फरवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किया जाएगा, तो उसका मेजबानी जो करेगा तो वो हमारा भारत देश करेगा। भारत में कहाँ पर होगा? गुजरात के गांधीनगर में। गांधीनगर से आपको याद रखना है, गांधीनगर हमारे गृह मंत्री की निर्वाचन क्षेत्र, गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी, और गुजरात की कैपिटल भी है गांधीनगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यूज़, 17 फरवरी 2020 को समापन होने वाले 10वीं वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस का आयोजन स्थल क्या रहा है? तो पेट्रोकोल कांग्रेस का आयोजन स्थल है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी को किस शहर में प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया और राष्ट्र को दीनदयाल उपाध्याय स्मारक राष्ट्र को समर्पित कर दिया? तो 16 फरवरी को क्या हुआ था, जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की जो एक प्रतिमा थी उसे उसका अनावरण कर दिया है और वो स्मारक जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, तो वो राष्ट्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काशी एक रूप अनेक का आयोजन स्थल क्या है? तो काशी एक रूप अनेक का आयोजन स्थल उसके क्वेश्चन में छुपा हुआ है, काशी मतलब वाराणसी उत्तर प्रदेश। अब किन्होंने दिया है ये, किन के द्वारा ये नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2020 को किस शहर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में प्रशासनिक न्यायाधिकरण वार्षिक अखिल सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ और शांत शहर कौन सा है? तो वो है इंदौर शहर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। मध्य प्रदेश की बात हो रही तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं।
सॉरी, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल होती है वो होती है भोपाल। भोपाल को झीलों की नगर के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल में ही जो गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, तो वो भी उसमें, सॉरी क्या कह रहे हैं, हाँ जी, भोपाल के बारे में जान लीजिए। मध्य प्रदेश की कैपिटल तो होती है भोपाल, ठीक है। भोपाल को झीलों के नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और भोपाल में ही मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्राव हुआ था, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब आपको क्या याद रखना है कि भोपाल तो हो गई कैपिटल, मिथाइल आइसोसाइनेट का नेम भी याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब याद रखना है कि वहाँ की जो राजकीय भाषा है वो क्या है, तो हिंदी और उर्दू मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा है। अगर सीमाएं पूछी जाएंगी तो किस किस से टच होती हैं, तो जो मध्य प्रदेश है उसकी सीमा एक तो उत्तर प्रदेश से टच होती है, छत्तीसगढ़ से टच होती है, महाराष्ट्र से और राजस्थान और गुजरात से उसकी सीमा जो है टच हो जाती है। नेक्स्ट आपके लिए रहेगा यहाँ की विधानमंडल। तो विधानमंडल यहाँ की क्या है, एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की सीटें जो है वो है 230। लोकसभा और राज्यसभा अगर पूछी जाएंगी तो लोकसभा की सीटें जो हैं वो हैं 29 और राज्यसभा की सीटें जो हैं वो हैं 11। अगर ज़िले पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे 51। ओके, और कान्हा, किसली राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर अभयारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पैंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि महाराष्ट्र में भी इसका कुछ भाग रहता है पैंच राष्ट्रीय उद्यान का, तो ये सब जो राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा वन विहार, ये सब आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। बाण सागर जो बांध है सोन नदी पर वो आपको, और राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, अब बात करेंगे चुनाव आयोग ने टू वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की अवधारणा को विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की है। तो चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने क्या हुआ किया है कि टू वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की अवधारणा को विकसित करने के लिए उन्होंने आईआईटी मद्रास के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति विशेष से, द क्रॉस फायर ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है। द क्रॉस फायर ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है, धीरेन्द्र तिवारी। द क्रॉस फायर ऑफ लव पुस्तक के लेखक हैं धीरेन्द्र तिवारी। द क्रॉस फायर ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है, धीरेन्द्र तिवारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला क्षेत्र में एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है, तो वो हैं गोपाल सिंह। कोयला क्षेत्र में एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है, तो वो हैं गोपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिफेंट गर्ल उपन्यास के लेखक कौन है। अभी हमारे पास कौन सी पुस्तक आई थी, द क्रॉस फायर लॉ ऑफ लव, इनके कौन है, धीरेन्द्र तिवारी। द एलिफेंट गर्ल उपन्यास के लेखक कौन है, तो वो है चितरंजन पाठक। द एलिफेंट गर्ल उपन्यास के लेखक कौन है, चितरंजन पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो खेल से संबंधित है। रांची में राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 में पुरुषों की 50 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता के विजेता कौन बने हैं, तो वो बने हैं सनवम दमन सिंह। कौन बने हैं, सनवम दमन सिंह। इन्होंने क्या किया है, जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई है रांची के अंदर 2020 की, तो उसमें 50 किलोमीटर की जो दौड़ प्रतियोगिता थी उसमें ये विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राज्य विशेष से रहेगा, वे राज्य कौन से हैं जहां सरकारी कर्मियों को 5 दिवस कार्य का सप्ताह नीति जो है लागू है। अब जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वहाँ 6 डेज वर्क करने की बजाय वो 5 डेज वहाँ वर्क करते हैं, तो ये नीति किस किस राज्य में लागू हुई है। फिलहाल तो इसे महाराष्ट्र में लागू किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि जो भी उनके गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो केवल ओनली 5 डे वर्क करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ और कौन कौन से राज्य हैं वे भी आपको याद रखने हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वे केवल 5 दिन ही काम करेंगे। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है उससे संबंधित सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1945 में, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में मिलेगा आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1924 में हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। अगर मुद्रा पूछी जाएगी तो आप बताएंगे दिरहम।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रभावी हुई थी, वह दिवस था 1 दिसंबर 2018। ठीक है, किसान पीएम किसान की जो प्रभाव में आई थी ये योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो ये 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई थी। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, और आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना है, और आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो ना देख के आपको ऑडियो देखना है, वैसे वीडियो भी देखिए, ऑडियो से रिवीजन कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग आप अगर ऐसा करना चाहेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। तो आप हमारे खबरी चैनल पर हमारा ऑडियो सुन सकते हैं, तो वहाँ से क्या होगा कि आपका यहाँ वीडियो देखिएगा, यहाँ से आपको जीएस स्टैटिक पोर्शन भी मिल जाएगा, वहाँ पर करंट न्यूज़ का पूरा रिवीजन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो वहाँ से आप ऑडियो क्लिप सुनिएगा और वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और बेल आइकन पे वहाँ पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी ऑडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो और आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी क्लासेस होती हैं उनकी PDF आपको अच्छे से मिल जाए और आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकें। ओके, तो अब बात करेंगे जो भी न्यूज़ हैं उनके बारे में। संरचने योजना, कर्नाटक की राज्य सरकार ने संरचने योजना के तहत राज्य भर में असूचित गत धरोहर स्मारकों के संरक्षण के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसका उद्देश्य क्या होगा, महत्वपूर्ण स्मारकों और इमारतों को संरक्षित करना जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या कर्नाटक पुरातत्व विभाग की सूची में शामिल नहीं है। अब कर्नाटक सरकार ने क्या किया है कि एक योजना चला दी है, जिसका नाम रखा है उन्होंने संरक्षणीय योजना। इस योजना का उद्देश्य यह है कि जो भी उनके पुरातत्व स्थल हैं, जो कि उनके पुरातत्व सर्वेक्षण या पुरातत्व विभाग में शामिल नहीं है, तो उनके संरक्षण के लिए जो सूची में धरोहर स्मारक नहीं है उनके संरक्षण के लिए ये योजना चलाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने अपने लेखांकन वर्ष को 2020 से 21 से सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ शुरू करने की सिफारिश की है। अब RBI ने क्या किया है कि जो उसका लेखांकन वर्ष है 20 से 21, तो उसमें क्या है कि जो सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ शुरू करने की उन्होंने सिफारिश करती है। भारतीय रिजर्व बैंक को अपने वित्तीय लेखांकन वर्ष को 2020 से 21 से केंद्र सरकार के प्रभाव के साथ संरेखित करना है। इस कदम में केंद्रीय बैंक से अंतरिम लाभांश प्राप्त करने वाले राजकोष की प्रथा का अंत हो सकता है। यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित RBI के केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लिया गया। सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ वर्तमान में जुलाई जून में RBI के वित्तीय वर्ष को संरेखित करने की सिफारिश की गई है, जो कि वर्ष 2021 के अप्रैल मार्च से है। इसके विचार के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब बात हो रही है RBI की, तो RBI तो मोस्टली न्यूज़ में रहता ही है, पर डे न्यूज़ में रहता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की फुल फॉर्म हो गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की फुल फॉर्म हो गई। 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन हुआ। RBI का मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत से बता देंगे मुंबई, महाराष्ट्र। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, और अगर RBI के डेप्यूटी गवर्नर पूछे जाएंगे तो वो 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। चौथे नंबर के अभी नियुक्त हुए हैं तो उनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनका नाम है माइकल डी पात्रा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केरल में एक और वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है। केरल की राज्य सरकार साइलेंट वैली नेशनल पार्क के 148 वर्ग किलोमीटर के बफर जोन को भवानी वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए तैयार है। मन्नार कार्ड और नीलांबर वन प्रभावों के कुछ हिस्सों को शामिल करने के लिए यह क्षेत्र राज्य का 25वां संरक्षित क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, केरल में एक और वन्यजीव अभयारण्य कैसे बनेगा? जो वन्यजीव अभयारण्य है ना, साइलेंट वैली और पिन वैली, इराविकुलम नेशनल पार्क, ये सब केरल के अंदर है। ठीक है, तो केरल का जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, तो उसमें जो बफर जोन है उसमें उन्होंने क्या किया है, जो वहाँ की सरकार है, कि उन्होंने उसे भवानी वन्यजीव अभयारण्य नाम देने का प्रस्ताव रख दिया है या घोषित करने के लिए तैयार हो चुके हैं वो लोग। ठीक है,
तो अब ये क्षेत्र क्या होगा कि 25वां संरक्षित क्षेत्र बन जाएगा। वहाँ पर अभी 24 राष्ट्रीय उद्यान है आई थिंक, तो वहाँ पे अब जो 25वां संरक्षित क्षेत्र वहाँ पर बन जाएगा। केरल की कैपिटल आप सभी को पता ही होगी, केरल की कैपिटल होती है तिरुवनंतपुरम और उसे पहले कहा जाता था त्रिवेंद्रम। ओके, केरल के अगर राज्यपाल पूछे जाएंगे तो आरिफ मोहम्मद खान आप बता देंगे, केरल के अगर सीएम पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे पिनाराय विजयन। ओके, पद्मनाभम जो टेम्पल है वो आपको केरल के अंदर ही मिलेगा, ठीक। और मुल्ला पेरियार डैम जो कि पेरियार नदी पर है वो भी आपको केरल के अंदर मिलेगा, ठीक है। साइलेंट वैली, पिन वैली, पेरियार नदी और इराथी, ये सब जो है वो आपको केरल के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, बेंगलुरु के पास पाया गया लिथियम का भंडार। बेंगलुरु में एक लिथियम का भंडार पाया गया है। परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं, जो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की एक इकाई है, उन्होंने बेंगलुरु से 1000 किलोमीटर मांड्या में सर्वेक्षण की गई भूमि के भाग में 14,100 टन के लिथियम भंडार का अनुमान लगाया है। तो अब ये क्वेश्चन इतना है कि हाल ही में लिथियम भंडार का कहाँ पर पता लगाया गया, तो बेंगलुरु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन 17 फरवरी 2020 को उदयपुर राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा पर 2 दिवसीय चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत की गई है। ओके, अब इसके मुख्य बिंदु क्या रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सचिव श्री संजय अग्रवाल ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब आपको एक बात और याद पता चल गई, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कौन है, संजय अग्रवाल जी, इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। विभिन्न राज्यों की बैंकों, बीमा कंपनियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड आदि प्रतिनिधित्व करने वाले 140 सदस्य थे। पहली बार इसने क्रमशः, मतलब जब इसका पहला एडिशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था लखनऊ, बैंगलोर, गुवाहाटी, और राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले 3 संस्करण आयोजित किए जा चुके। तो पहला जो संस्करण हुआ था वह तय लखनऊ में हुआ था, फिर बेंगलुरु में हुआ, फिर गुवाहाटी में हुआ, जो कि असम का एक शहर है, जहाँ पर खेलो इंडिया भी आयोजित हुए थे, और तीसरा संस्करण भी जो हुआ था वो भी हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना का। अब चौथा कहाँ पर हुआ है, चौथा हुआ है हमारे उदयपुर राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, अमेरिका ने भारत के लिए विकासशील टैग हटा दिया है। अब अमेरिका ने क्या किया कि भारत हमारा विकासशील देश है तो ये टैग हटा दिया, तो क्या है इसका मतलब, टैग क्यों हटाया इन्होंने, अच्छा किया है, बुरा किया है, ये सारी बातें जान लेते हैं। 10 फरवरी 2020 को अमेरिका ने 10 देशों से अधिक को हटा दिया, जिसमें भारत भी शामिल है। इसकी सूची उन देशों की थी जिन्हें व्यापार उद्देश्यों के लिए विकासशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य बिंदु इसके क्या रहे हैं, अब देशों में उन सूचियों को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, इस प्रकार वे व्यापार लाभ नहीं ले पाएंगे। यह अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस महीने के अंत में भारत की यात्रा से ठीक पहले किया गया। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय उन देशों की एक सूची रखता है जिन्हें वे विकासशील, विकसित और अल्प विकसित के रूप में वर्गीकृत करता है, ठीक है। जिन देशों को विकासशील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है उन्हें कुछ ऐसे सामानों का निर्यात करने की अनुमति दी जाती है जो बिना दंडात्मक शुल्कों की मार झेलते हैं और आमतौर पर विकसित देशों से आयातित सामानों पर लगाए जाते हैं। विकासशील देश की स्थिति की उत्पत्ति का श्रेय 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम को जाता है, जिसने गरीब देशों को तेजी से विकसित करने में मदद करने के लिए सामान्यीकरण प्रणाली को प्राथमिकता दी थी, ठीक है। अब इन्होंने इसका क्या मतलब हुआ, जब विकासशील से हटा लेंगे तो इसमें सीधा सीधा से हमने लिख दिया है सारा कि अगर विकासशील में कोई भी देश वर्गीकृत किया जाता है तो उन्हें कुछ सामानों पर निर्यात करने की अनुमति दी जाती है बिना दंडात्मक शुल्क के, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता है। अगर वो विकसित देशों में आ जाते हैं तो उन पर आयातित सामानों पर टैक्स लगाया जाता है। और ये विकासशील देश की स्थिति की उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है, 1974 के अमेरिकी व्यापारी अधिनियम को जाता है, और जिसमें जो गरीब देश होते हैं उन्हें विकसित करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रणाली को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू और कश्मीर लद्दाख जल्द ही केंद्र प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हैं। तो जम्मू और कश्मीर लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश जल्द ही
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बिंदु क्या क्या रहेंगे। यह नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के वार्षिक सम्मेलन के दौरान था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की एक विशेष पीठ जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी और तब तक न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ की पीठ सेवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित विवाद अन्य मामलों में भाग ले सकती है। अब कैट के बारे में जान लीजिए, जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 के तहत की गई थी। यह विवादों में स्थगन के लिए संविधान की एक भर्ती और संघ मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में शिकायतों के निवारण हेतु सरकार के नियंत्रण में एक प्राधिकरण है। ओके, कैट के अध्यक्ष अभी वर्तमान में पूछे जाएंगे तो न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी हैं। ओके, अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। स्पेशल नॉलेज में मैं आपको बता दूं विश्व के प्रमुख समाचार पत्र। अब विश्व के प्रमुख समाचार पत्र हमने कल भी डिस्कस किए तो आज हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। द टाइम्स, गार्डियन, डेली मेल कहाँ का समाचार पत्र है? लंदन का। डेली मिरर और इंडिपेंडेंट लंदन का समाचार पत्र है। ली फिगारो पेरिस का समाचार पत्र है। इज्वेस्टिया प्रवादा मास्को, रूवेल वहाँ की करेंसी होती है और रूस की कैपिटल होती है मास्को। ओके, डान कहाँ की समाचार पत्र है? कराची की। बांग्लादेश ऑब्जर्वर कहाँ का समाचार पत्र है? ढाका का। द आइलैंड कहाँ का समाचार पत्र है? कोलंबो का। खलीज टाइम्स दुबई का समाचार पत्र है। ईस्टर्न सन सिंगापुर सिटी सिंगापुर का जो है समाचार पत्र है। मैनिची जो है टोक्यो का समाचार पत्र है। अब बात करेंगे स्टेट की तो नागालैंड डिस्कस करेंगे। नागालैंड की कैपिटल आप सभी को पता होगी, नागालैंड की कैपिटल क्या होती है? कोहिमा। सबसे बड़ा शहर क्या है? दीमापुर। और जिला अगर पूछे जाएंगे नागालैंड में तो 12 हैं। राजभाषा अंग्रेजी हो जाती है। गठन 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। राज्यपाल आर एन रवि हैं। मुख्यमंत्री अगर पूछे जाएंगे तो नेफ्यू रियू हैं। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें वहाँ 60 हो जाती हैं। राज्यसभा की एक सीट है और लोकसभा की एक सीट है। उच्च न्यायालय अगर पूछा जाएगा तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है नागालैंड का उच्च न्यायालय। अगर खंडपीठ पूछी जाएगी जो इसकी ब्रांच है वो एक कोहिमा में है। नेक्स्ट जो है जो नागालैंड है उससे किस किस की सीमा टच होती है? अरुणाचल प्रदेश की, मणिपुर की, म्यांमार और पश्चिम की और म्यांमार और पश्चिम में जो है असम से नागालैंड की सीमा जो है टच होती है। राजकीय पक्षी अगर नागालैंड का पूछा जाएगा तो दुकुल है। राजकीय पशु अगर पूछा जाएगा तो बादली तेंदुआ है। राज्य दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पर्वत पूछे जाएंगे तो बरेल और जाम्फू पर्वत जो हैं वो नागालैंड के प्रमुख पर्वत हैं। नदियाँ अगर पूछी जाएंगी तो तोयांग, दिरक, धनश्री, जाझी और दिघू नदियाँ जो हैं वो आपको नागालैंड के अंदर मिलेंगी। झील अगर पूछी जाएगी तो लेचाम झील नागालैंड की मुख्य झील है। राष्ट्रीय उद्यान में तंकी वन्यजीव अभयारण्य, फाकिम पुलवाजडे जो वन्यजीव अभयारण्य है वो आपको नागालैंड के अंदर मिलेगा। सन 1957 में क्या हुआ था? नागालैंड को केंद्र शासित राज्य बनाकर असम के राज्यपाल के अधीन कर दिया था। जो असम के राज्यपाल थे उनके अधीन कर दिया था। ओके, फिर क्या? और असम राज्य के नागा हिल्स जिले का नाम दे दिया गया था। 1961 में एक क्षेत्र का नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और 1 दिसंबर 1963 को इसे विधिवत राज्य घोषित कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टैटिक जीके में मानक प्रमाण पत्र। ये कल भी हमने डिस्कस किए थे। ISO 9001 किसके लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है? गुणवत्ता प्रबंधन के लिए। ISO 9001 गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाता है। और ये इससे करंट का क्वेश्चन ये बन जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली तहसील है जिसे ये मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है तो वो है लखीमपुर की तहसील। ओके, ISO 22000 खाद्य सुरक्षा के लिए मानक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ISO 27001 सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिया जाता है। ISO 9202 आभूषणों की शुद्धता के लिए दिया जाता है। ISO 18001 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध प्रमाणन पद्धति के लिए दिया जाता है। ISO 15700 अमूल्य सेवा गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पद्धति के लिए ये मानक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये मानक प्रमाण पत्र बहुत छोटे से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है।
छः सात हैं तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपके लिए 110% बनेगा ही बनेगा। 14001 से क्वेश्चन आपको 110% मिल जाएगा। ओके, अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। तो उस पर पहला क्वेश्चन है बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। कोलकाता से एक क्वेश्चन और बन जाता है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ओके, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कहते हैं क्रस्ट। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है वो कौन सी होती है, तो स्टेपिडियस होती है। आई डियर आत्मकथा जो है वह किसकी है, तो किरण बेदी की है। गुप्त शासकों की राजभाषा क्या हुआ करती थी, तो संस्कृत हुआ करती थी। नगीना मस्जिद कहाँ पर है, तो आगरा में है। भूमध्य सागरीय प्रदेश किस प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, तो सिट्रस फलों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था, तो मैसोडोनिया का शासक था सिकंदर। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे, तो वो थे राजा राम मोहन राय, जिन्हें ब्रह्म समाज का संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जी के जीएस के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और कल से आपके लिए न्यू टॉपिक आ जाएंगे, हम पर डे जब भी हम डिस्कस करते हैं एक टॉपिक न्यू, तो हम दो दिन वही लगातार डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको याद भी हो जाए। स्टैटिक जीके स्पेशल नॉलेज एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो दिन चलते हैं आपके। ओके, तो इससे क्या होता है, आपको याद भी हो जाता है और रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अगर डेली मोशन वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऑडियो क्लिप सुनने के लिए ज़रूर ज़रूर वहाँ पर हमें फॉलो करें और सुने भी ऑडियो क्लिप, रिविज़न आपका बहुत अच्छा से हो जाएगा। खबरी ऐप पर, खबरी ऐप इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए तैयारी बिगनर्स की, वहाँ पर आप हमें सुन सकते हैं। ओके, और आपको कहीं भी अगर अकाउंट सर्च करना है तो तैयारी बिगनर्स की के नाम से ही आपको हमारा अकाउंट प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, एंड आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और अपने सपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। अपनी तैयारी को निरंतर बहुत ईमानदारी से करते जाइए और मन में हमेशा जुनून रखिए। जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ठीक है, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।